हेलो एवरीवन, कैसे हो। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है, वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ, मेरा जो डेल का लैपटॉप है उसमें रैम डलवाने। हालांकि मेरे जो डेल के लैपटॉप की रैम है वो 4 GB है, लेकिन पता नहीं मेरा कंप्यूटर हैंग क्यों हो रहा है लैपटॉप, तो उसका मैं पता करने जा रहा हूँ। तो मैं कोचर मार्केट से मैंने लैपटॉप लिया था, वो 30,000 का था डेल का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने लेना हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, आपकी मर्जी होगी। और हार्डवेयर और रैम का भी बता दूंगा कितने की रैम पड़ेगी, और इसमें ग्राफिक कार्ड तो है नहीं, ग्राफिक कार्ड भी पूछ लूंगा कि नवीडिया का ग्राफिक कार्ड कितने का पड़ता है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, पहुंचते हैं कोचर मार्केट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ शॉप्स। ग्रिप अच्छी है बैग की, आप देख सकते हो ये मतलब बहुत चौड़ा है, और इससे मुझे पेन भी नहीं होगी। बैग तो हल्का है, लैपटॉप 3-4 किलो का है, बट वेट आ जाएगा। सही है, गाइस हमारा लाइक इन्होंने चूतिया काट लिया, 250 रुपये ले लिया। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बाद में घर जाके बताता हूँ। ये आप मार्केट देख सकते हो मेरे सामने, जो पीछे है वो डेल की प्रीमियम मार्केट है। तो हमें, मैं आपको सारी बात बताऊँगा घर पहुँच के कि हुआ क्या है और आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो गाइस सॉरी, वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैं थक गया था, लैपटॉप जब ठीक कराने गया था तो उसके चक्कर में मैं थक गया था। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ कि बात हुई क्या थी। जैसे मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो हो गया था, तो मैंने उन्हें बोला था कि लैपटॉप मेरा स्लो हो गया है तो इसका वो कर दो, मतलब चेक कर लो। तो वो बताऊँ क्या कहते, कहते डायग्नोस करने का हम 250 रुपये लेंगे। तो मैंने सोचा चलो 250 रुपये ले रहे हैं, कुछ करेंगे। तो डायग्नोस का मीनिंग होता है गाइस कि सारा, मतलब कंप्यूटर वो देखते नहीं है, चेक नहीं करते, वो ये चेक करते हैं कि विंडो अपडेटेड है कि नहीं। और बहुत सारे विंडो अपडेटेड नहीं थी मेरी,
और मुझे 250 रुपये देने पड़ेंगे, देख लो। तो गाइस जब भी आपको कुछ ठीक कराना है यूट्यूब की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि अगर आप विदाउट हेल्प लोगे आपका मेरे जैसे ही हाल होगा, 250 रुपये बेफालतू देने पड़े। और मैं नहीं चाहता था कि 250 रुपये दूँगा, बट ये लोग बहुत चलाक हैं तो 250 रुपये इन्होंने बेफालतू के ले लिए। तो मैंने रैम डलवाई 4 GB की, अब 8 GB की टोटल रैम है, तब भी मेरा लैपटॉप सही नहीं काम कर रहा। मतलब पता नहीं, प्रोसेसर जब भी लोगे ना, लैपटॉप लेना आपको तो i5 प्रोसेसर ही लेना, चाहे थोड़ा महंगा मिले, i3 के बाद i5 फिर i7, प्रोसेसर से ही फ़र्क पड़ता है, रैम से कोई मतलब लेना देना नहीं है। क्योंकि 8 GB रैम है, आप खुद सोच सकते हो, तभी मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग होता है। सो गाइस आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होगे, तो यही वीडियो थी मेरी, मैंने आपको बताना था। अब मैं जाऊंगा अपने नानी के यहाँ, तो फिर मेरे वीलॉग्स आएंगे रेगुलरली, टेंशन ना लेना। नानी के जा रहा हूँ मैं भी, नानी के यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, बहुत 1-2 साल हो गए मैंने टाइम नहीं स्पेंड किया। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और लगते हैं शायद 1000 सब्सक्राइबर्स अभी होंगे नहीं पूरे, क्योंकि अभी रीच जो है ज़्यादा बढ़ नहीं रही, लोगों को पसंद नहीं आ रही मेरी वीलॉग, और लोग पूछ भी नहीं रहे कुछ, तो हेल्प भी नहीं पूछ रहे, उन्हें ये लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, इसलिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता मैं। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछिए और इंटरेक्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।